हेलो नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 8 दिन से भारी धूप के बाद फिर से पानी की बौछारों के साथ बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर में पानी पानी होने वाला है। दोस्तों बड़ी खबर है, लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 8 दिन तक खिल रही तेज धूप के बाद मंगलवार शाम मौसम ने एक बार फिर से एक्टिव होने के संकेत दिए हैं। मंगलवार शाम से राज्य के 20 जिलों में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने से मौसम में ठंडक घुल गई है। कुछ जिलों में तो बुधवार सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून सिस्टम अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। इस हफ्ते में तेज बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 24 घंटे में बुरहानपुर, बैतूल और खंडवा में भारी बारिश की संभावना है। यहां 3 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, राजगढ़, सीहोर, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, हरदा, धार, देवास में भी भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, शाजापुर, मंडला, सिवनी, जबलपुर, उमरिया, खरगोर, इंदौर, खंडवा, भोपाल, नरसिंहपुर, सतना, उज्जैन, गुना, धार, रतलाम आदि जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। होशंगाबाद में सबसे ज्यादा 2.3 इंच बारिश दर्ज की गई है। छिंदवाड़ा में मंगलवार दोपहर से ही बादल छाए हुए हैं। जिले में अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश का दौर जारी है। जिले में अभी तक 576.5 mm बारिश हुई है। वहीं सागर में भी बादल छाए हुए हैं। बुधवार सुबह उज्जैन, होशंगाबाद, रतलाम, खंडवा, छिंदवाड़ा आदि जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और इधर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आज से मानसून की गतिविधियां फिर से एक्टिव होने लगेंगी। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से मध्य प्रदेश के लगे जिले कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में आज बारिश हो सकती है। पिछले 10 दिनों में बारिश का दौर थमने के बाद प्रदेश में तापमान इजाफा होने और गर्मी बढ़ने से लोग परेशान थे, जिससे अब कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पश्चिम राजस्थान के जिलों में तो पारा 41 डिग्री सेल्सियस के भी पार हो गया है तथा चूरू में गर्मी 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, मौसम विभाग के हर अपडेट के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज़ नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।